ब्रेक के बाद स्वागत है। हफ्ते भर से जारी बेमौसम बारिश और ओले देश के लिए और खासकर के देश के दिल मध्य प्रदेश पर आफत बनकर टूटे हैं। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। सरकार ने बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने की बात कही है, ये रिपोर्ट देखिए। बचालो, हम बर्बाद हो गए, 5 लाख की फसल बर्बाद हो गई हमारी, तो हमने बचपन से फांसी लगा ले, हम मर जाएं। खेत में पड़ी आड़ी फसल और इसके पास बैठकर रोते किसान की ये तस्वीर भिंड से है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में किसानों के चेहरे पर ऐसी ही मायूसी है। मार्च में बेमौसम बारिश की ऐसी मार पड़ी कि अन्नदाता सुबक पड़े। रायसेन में तो मारे सदमे से एक किसान की मौत हो गई। बेमौसम बारिश से गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं संतरा, लहसुन, धनिया, मसूर, इसबगोल और अलसी की फसल पर भी असर पड़ा। एमपी में हुए नुकसान का सरकार दो फेज में सर्वे करा रही है। पहले फेज में 6 से 9 मार्च के बीच का सर्वे होगा। इस दौरान आंधी, पानी और ओले गिरने से 16 जिलों के 3,280 गांवों के 1.09 लाख किसानों की 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद होने की जानकारी आई है। वहीं 16 से 19 मार्च के बीच बिगड़े मौसम से 27 जिलों में नुकसान माना जा रहा है। इसकी शुरुआती रिपोर्ट में 19 जिलों के 525 गांवों में 33,884 किसानों की 38,985 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। मंडीदीप के आसपास के इलाकों में भी बेमौसम बारिश और ओले किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहां पर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता ने। बेमौसम हो रही बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को एक भारी नुकसान हुआ है और बंसल न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडीदीप इलाके के इटाया कला में। आप देखिए मेरे पीछे ये जो खेत है जिसमें किस तरीके से ये गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से आड़ी हो चुकी है। देखिए आप ये पूरे तरीके से, ये देखिए खेत के अंदर जो है कि मिट्टी इन बालों ने जो है कि पकड़ ली है, क्योंकि ये बालें जो है कि कुछ समय के बाद पक जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई है और लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण लगातार ये देखिए गेहूं की जो बालें जो खड़ी हुई थी वो पूरे तरीके से लेट चुकी है। इनने देखिए नीचे ये मिट्टी दिखाई दे रही है, ये देखिए लंबी नजरें भी आप मारेंगे जहां तक कैमरे की नजर जा पा रही है वहां तक फसलें आड़ी दिखाई दे रही हैं, यानी कि 50% से भी अधिक यहां पर फसलों का नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका? 30-40 एकड़ का खेत है साहब, ये पूरा आड़ा हो गया, 3-4 दिन से बारिश हो रही है, ओला गिर रहा है। 100% नुकसान हो जाएगा देवेंद्र जी, अभी आप देख रहे हैं 80% नुकसान तो है। अब इसमें क्या होगा कि हार्वेस्टर भी नहीं चलेंगे, चलेंगे तो आधी मट्टी उठाएगी, और रेगुलर 3 रोज से कंटिन्यू पानी गिर रहा है और बीच में ओले भी गिरे हैं परसों, ओले से भी नुकसान है। और आप इसको यहाँ पर खड़े हैं देख रहे हैं, अब इसे मंडी लेके जाएंगे तो क्या दाम मिलेंगे और फसल को क्या नुकसान है? दाना इसका अलग कलर अपना चेंज कर लेगा और हल्का हो जाएगा क्या? इसका दाना जैसे जीरा होता है ना, इस तरह से पतला पड़ जाएगा, किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है। एवं जैसे ही इसकी कटाई करवाएंगे तो इसमें मिट्टी भी आएगी, मिट्टी की वजह से इसके रेट लगभग आधे हो जाएंगे। कम से कम 300-400 रुपए क्विंटल का किसान को नुकसान होगा, और पैदावार में भी ये मानिए कि मुश्किल से 60-70% तो ये नुकसान दिख ही रहा है आपको। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जहां जहां अभी नुकसान हुआ है वह जल्दी से वहां पे सर्वे करवाएं एवं किसान को सहायता पहुंचाए। मेरी ऐसी हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और आशा है। 2 से 3 दिन तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है, अगर 2 से 3 दिन और बारिश होती है जो 50% नुकसान है ये सीधा उठकर 80 से 90% पहुंच जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि अन्नदाता खासा परेशान होगा। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, मंडीदीप।